पानी की कमी तब होती है जब हम उसको उसमें काफ़ी डिले कर देते हैं, आलस कर जाते हैं। उसी टाइम हम जो नारियल पानी, सब्जियों का उबला हुआ पानी, कुदरती ग्लूकोस लेना शुरू कर दें तो आपको किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम नज़ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार को घर बैठे बैठे ठीक कर सकते हैं। अब नज़ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार को घर बैठे बैठे ठीक करने के लिए क्या क्या करना है? नंबर एक, अपना सामान्य भोजन लेना बंद करना है, नारियल पानी लेना है या सब्जियों का उबला हुआ पानी लेना है। ये दो चीज़ें सबसे बढ़िया हैं। नंबर दो, नज़ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार में हम भोजन लेना बंद कर देंगे, हमारी आंतों के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि जो पहले का मल अंदर जमा है वो उसको अपने आप बाहर फेंक दें, क्योंकि हमें दो दो तीन तीन दफ़ा अनाज लेने की आदत पड़ी हुई है, आंतें अपने आप मल को बाहर नहीं फेंक सकती। उस अवस्था में हमारे पास एक अनीमा है, इसको हम कहते हैं अहिंसक अनीमा, नॉन वायलेंट अनीमा। ये कोई नुकसान नहीं करता, इसकी आदत नहीं पड़ती, इसके अंदर हम कोई केमिकल वाला घोल नहीं डालते, कोई साबुन नहीं डालते और गर्म पानी भी नहीं डालते। जब हम गर्म पानी का अनीमा लेते हैं उससे हमारी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, आगे चल के इसकी आदत पड़ जाती है, आंतों की शक्ति पहले से कमज़ोर हो जाती है। जब हम ताज़े पानी का अनीमा लेते हैं तो उससे आंतों को इसकी आदत नहीं पड़ती, धीरे धीरे आंतों की शक्ति बढ़ती है, मल अपने आप बाहर फेंकने की शक्ति आती है। इसको लेते समय डरना नहीं, उस अवस्था में नज़ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार की अवस्था में इसको प्रयोग कर लें। एक गिलास, ये गिलास है, इसके अंदर लगभग आधा गिलास पानी का, ताज़ा पानी का भर लें। गर्मियों के दिनों में ऊपर की टैंकी का पानी अगर गर्म हो तो मटके का या सुराही का पानी ले लें, इसमें पानी भर लें। पानी भरने के बाद आप इसको दीवार के साथ टांग सकते हैं और इसको पानी को जहाँ टूटी को यहाँ से खोल दें, यहाँ नोज़ल तक ले आएँ, यहाँ से थोड़ा पानी बाहर निकाल दें, आप फर्श पे लेट जाएं, लेट के गुदा द्वार के अंदर टांगों को थोड़ा ऊपर उठा के इसका आधा भाग ले जाएं, थोड़ा गुदा द्वार पे तेल लगा सकते हैं। उसके बाद इस टूटी को जो आपने पहले बंद कर दिया था इसको खोल दें, पानी सारा अंदर चला जाएगा। टूटी को बंद करें, नोज़ल को बाहर करें, उसके बाद थोड़ा हाथ को गीला कर लें पानी से, पेट के ऊपर हल्के हाथ से मसाज कर लें, मालिश कर लें बिल्कुल हल्के हाथ से। 10-15 मिनट के लिए आप लेट सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं, आप घर का कोई और काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपको इशारा होगा तो आप टॉयलेट के लिए चले जाएं, पेट साफ हो जाएगा, गंदगी बाहर निकल जाएगी, बहुत आराम होगा। जिनको 104 बुखार होता है, बहुत सारे कोशिश करने के बाद भी नहीं उतरता, आप देखेंगे अनीमा लेने के बाद तुरंत उतर जाता है। दमे के रोगी हैं, अगर एकदम से श्वास आना बंद हो गया, अनीमा देते हैं तो श्वास आना शुरू हो जाता है। पथरी का दर्द हो रहा है, दर्द बंद नहीं हो रहा, असहनीय दर्द है, अनीमा देने से लाभ होता है। इस तरीके से कैसे लाभ होता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसकी जानकारी एक ही प्रोग्राम के अंदर नहीं दी जा सकती, हमारी पुस्तकों में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। तो उस नज़ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार की अवस्था में एक, भोजन को, सामान्य भोजन को बंद करेंगे, नारियल पानी या सब्जियों का उबला हुआ पानी लेंगे, दूसरा, ज़रूरत पड़ेगी तो अनीमा करेंगे, सुबह शाम दो वक्त कर सकते हैं, तीसरा एक पेट की पट्टी है। ये जो पेट की पट्टी है, आप खादी भंडार से सूती कपड़ा लें, हाथ की बुनी हुई खादी होनी चाहिए। जो बाज़ार से कॉटन मिलता है वो मशीन से बुनी हुई मर्सराइज कॉटन होती है, उसका धागा बारीक होता है, उसके अंदर पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुकता, वो पूरा काम नहीं करती। खादी भंडार से ले लीजिए, 1 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर लंबा, इस तरह का कोई कपड़ा लीजिए। सहयोग के लिए कोई आ जाए, इस तरह का कपड़ा लेके इसको आपकी सुविधा के लिए, लोग गलत तरह का कपड़ा ले लेते हैं, इस तरह का कपड़ा हमारी पुस्तकालय में जो जहां हमारी पुस्तकें मिलती हैं उन्हीं के साथ इस तरह का कपड़ा भी मिल जाता है। 1 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर लंबा, इस तरह का कपड़ा लेके इसको ताजे पानी में भिगो लीजिए। ताजे पानी में भिगो के इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए, अच्छे से निचोड़ के इसकी 4 तहें कर लीजिए, जैसे आपको करके दिखाई जा रही हैं, 4 तहें करके इसको फोल्ड कर लीजिए।
इसको फोल्ड करके इसको पेट के चारों ओर लपेट लीजिए। ये कपड़ों के ऊपर लपेट के दिखा रहे हैं। आपने कपड़ों को उतार के शरीर को स्पर्श करना चाहिए कपड़ा, तो उस तरीके से लगाएंगे। नाभि को सेंटर में रखना है, 6 नाभि से कुछ 6 इंच ऊपर की तरफ और 6 इंच नीचे की तरफ। इस तरीके से इसको आधा घंटे तक लपेट लें। आधे घंटे के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ये पट्टी गर्म हो जाएगी, आपकी पेट की गर्मी पट्टी के अंदर आ जाएगी। जो हमारे पाचन तंत्र के अंग हैं वो अधिकतर यहीं पर हैं, हमारी किडनी, अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज। पाचन तंत्र से संबंधित किडनी ज़्यादातर यहीं पर हमारे पाचन तंत्र के अंग हैं। इन की कार्यशैली बढ़ जाएगी, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और इनके अंदर सूजन होगी तो वो उतर जाएगी और जहाँ पर कुछ मल होगा वो बाहर निकल जाएगा, कब्ज़ दूर होगा। अगर गैस होगी, आप अभी पट्टी लगाएंगे, अभी बताएंगे, पट्टी लगे लगे ही पेट में से गैस निकलेगी, बहुत लाभ होगा। इस तरह की पट्टी लगाएं। नज़ला ज़ुकाम उल्टी दस्त बुखार के समय कुछ गला ख़राब हो सकता है, अगर गला ख़राब हो तो इस तरह की पट्टी ले लें। ये भी हमारी जो पट्टी एक मिलती है उसी के साथ ये पट्टी भी मिल जाती है। तो इस तरह की एक पट्टी लेके ताजे पानी में भिगो के निचोड़ के उसको गले पे लपेट लीजिए। पंद्रह बीस मिनट ये पट्टी लगी रहेगी। ये पट्टी भी देखेंगे कि 15-20 मिनट में गर्म हो जाएगी। उस अवस्था में, नज़ला ज़ुकाम उल्टी दस्त बुखार की अवस्था में सिर में कुछ दर्द होता है, तो अगर कुछ तनाव हो, सिर में दर्द हो, इस तरह की पट्टी ताजे पानी में भिगो के निचोड़ के माथे के ऊपर लगा लीजिए। इसको लपेटना है, बांधना नहीं। बांधने से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। इस तरह की पट्टी लगाने से जहाँ पर भी हम ये पट्टी लगाते हैं वहाँ अलग शरीर का तापमान अलग हो जाता है। साइंस का ये नियम है कि शरीर का तापमान जिस तरफ भी बढ़ जाएगा या घट जाएगा उस तरफ ब्लड सर्कुलेशन, प्राण शक्ति दौड़ना शुरू हो जाती है, खून का दौरा उस तरफ बढ़ जाता है। खून का दौरा उस तरफ बढ़ने से अगर वहाँ पर कुछ फॉरेन मैटर है, कुछ विजातीय द्रव है, वो अपनी जगह छोड़ता है और चार रास्तों के द्वारा बाहर निकलता है, बहुत लाभ होता है। इस पट्टी को लगाएं। खाली ये नहीं कि नज़ला ज़ुकाम उल्टी दस्त बुखार के समय ही लगाना है, नज़ला ज़ुकाम उल्टी दस्त बुखार के समय आधा घंटे के लिए इस पट्टी को दिन में 4 दफ़ा लगाएं। और सामान्य हालत में एक स्वस्थ व्यक्ति भी, जहाँ आम जो रोग चल रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, पथरी वगैरह, सामान्य हालत में इस तरह की पट्टी आधे आधे घंटे के लिए दिन में 3 दफ़ा लगाएं। अगर 3 दफ़े का टाइम ना हो तो दिन में 2 दफ़ा तो ज़रूर लगाएं। कब लगाएं, खाने से पहले लगाएं या बाद में लगाएं, ऐसा कोई परहेज नहीं है। जिनको भूख नहीं लगती वो निश्चित समय जो खाने का है उससे 1 घंटा पहले लगा लें, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। जिनको भोजन हाजम नहीं होता वो खाना खाने के बाद में लगा लें, भोजन हाजम होगा। केवल एक ही परहेज है कि पट्टी को लपेट के खाना ना खाएं। जब आप नज़ला ज़ुकाम उल्टी दस्त बुखार में ये गलतियां करनियां हम बंद करेंगे, अपना भोजन सामान्य भोजन बंद करेंगे, कुदरती ग्लूकोज के ऊपर रहेंगे, नारियल पानी या सब्जियों का पानी, पेट की पट्टी लगाएंगे, अनीमा लेंगे, 2-3 दिन के अंदर अंदर हम देखेंगे कि नज़ला ज़ुकाम उल्टी दस्त बुखार बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। इसके बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए, मन में कोई डर नहीं होना चाहिए। 84 लाख जीव जंतु है, सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं। कोई भी जीव जंतु बीमार होने पर अपनी मर्जी से अस्पताल नहीं जाता, सभी अपने सामान्य रोग अपने भोजन को छोड़ के कर लेते हैं। अगर हम भी इन नियमों का पालन करना शुरू करें तो आप अपने आप कहने लगेंगे कुछ दिनों के बाद के लाभ होता है, बिल्कुल हम ठीक होते हैं। 2 भाग मेरी बातचीत के हो गए हैं, तीसरी भाग के अंतर्गत आता है गलत आदतें। स्वास्थ्य का पूर्ण आनंद लेने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन परम आवश्यक है। अस्वस्थता की गलत आदतों को जानिए। सबसे पहले प्राकृतिक जीवन शैली में रोग के कारण के बारे में बताया जाता है। रोग का कारण, व्यक्ति रोग का उपचार चाहता है, कारण को दूर करने से रोग का उपचार स्वयं हो जाता है। पहले रोग के कारण को जानिए। दूसरा,
हम बता चुके हैं, प्राण शक्ति और रोग, रोग का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, प्राण शक्ति द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने के प्रयास को जानिए। शरीर के अंदर गंदगी का रहना ही रोग है। दूसरा, हमारी प्राण शक्ति नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार के माध्यम से शरीर की सफाई कर रही है, अगर हम बीच बीच में उस सफाई के अंदर कोई रुकावट ना डालें तो हम बिना दवाई के स्वस्थ हो सकते हैं। हम जब उसमें रुकावट डालते हैं तो उसी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, तरह तरह की बीमारियों की से ग्रस्त होते हैं। अगर व्यक्ति उल्टी की अवस्था में उल्टी की गोली, दस्तों की अवस्था में दस्तों की गोली, बुखार की अवस्था में बुखार की गोली, जुकाम की अवस्था में जुकाम की गोली ना ले तो कैंसर हो नहीं सकता। यूनिटी ऑफ डिजीज, सारे रोग एक हैं, शरीर के अंदर गंदगी का रहना। यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सारे रोगों का एक ही इलाज है, शरीर को अंदर से साफ करना। शरीर नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार के माध्यम से जब बीच बीच में दो चार महीने में अपनी सफाई करता है, उस सफाई को होने देना चाहिए। कुछ गलत आदतें होती हैं जिसकी वजह से हम तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, उसका हम कैसे निर्णय लेंगे? बी योर ओन डॉक्टर, अपने डॉक्टर आप बने। हम कैसे निर्णय लेंगे कि हमें कोई गलत आदत है या नहीं? इसके लिए एक मापदंड है। अगर किसी व्यक्ति को गैस, तेजाब, बलगम या कब्ज़, अभी बड़े बड़े रोगों को थोड़ा भूल जाते हैं, बहुत छोटी बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को गैस, तेजाब, बलगम या कब्ज़ चारों में से एक भी दिक्कत महसूस हो रही है तो हम ये मानेंगे कि हम जो भोजन ले रहे हैं वो हाजम नहीं हो रहा। खाया गया भोजन अगर हाजम हो जाए तो गैस नहीं बनेगा, तेजाब नहीं बनेगा, बलगम नहीं बनेगी, कब्ज़ नहीं होगा। भोजन अगर हाजम नहीं हो रहा तो उसके पीछे चार तरह की गलतियाँ हो सकती हैं। पहली गलती, हंगरलेस ईटिंग, बिना भूख के खाना। जब हम बिना भूख के खाते हैं तो भोजन अंदर जाके सड़ता है। जैसे हम हवन करते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, उसके ऊपर सामग्री डालते हैं तो हवन करने का लाभ होता है। अगर ठीक से अग्नि ही प्रज्वलित ना हो, उसके ऊपर ढेर सारी सामग्री डाल दें, वो सामग्री भी बेकार हो जाएगी और हवन के लाभ से भी हम वंचित हो जाएंगे, कोई सुगंधि नहीं आएगी। ठीक ऐसे ही जब हमें कड़क भूख नहीं होती, तेज भूख नहीं होती, हम भोजन करते हैं तो भोजन अंदर जाके सड़ता है, हमें भोजन करने का लाभ नहीं होता। दूसरी गलती, ओवर ईटिंग, मात्रा में ज़्यादा खाना। अब कैसे निर्णय लें कि कौन व्यक्ति कितना खाए? क्या मैं सभी को ये बोल दूं कि 250-250 ग्राम खाओ, 400-400 ग्राम खाओ? ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की भूख अलग है, हर व्यक्ति की कार्यशैली अलग है और हर व्यक्ति का मनोबल अलग है। तो आपका डॉक्टर आपके अंदर, बी योर ओन डॉक्टर, आपके अंदर वाले डॉक्टर, आपके अंदर वाले वैद्यनाथ आपको बता रहे हैं कि हम कितना खाएं। वो बताने के लिए हमारे शरीर के अंदर ही एक मापदंड है, अंदर ही एक इस तरह का प्रबंध है। उस प्रबंध की जानकारी आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। देखिए, जब हम मुंह से चबा चबा के खाना शुरू करते हैं, हमारा पाचन तंत्र मुंह से आरंभ हो जाता है और भोजन चलते चलते हाजम होता है, गुदा द्वार के द्वारा मल बाहर निकल जाता है। भोजन को हाजम करने के लिए शरीर के अंदर रुकने का जो प्रबंध है वो एक जगह है, वो है हमारा अमाशय, मेधा, स्टमिक। उसके अंदर भोजन 5-6 घंटे के लिए रुकता है और हाजमे का काम चलता है। ये हमारे शरीर के अंदर एक थैली नुमा पड़ा हुआ है, बैलून नुमा, गुब्बारे नुमा। जब इसके अंदर भोजन आ जाता है, ये फैल जाता है और जब इससे भोजन नीचे निकल जाता है 5-6 घंटे के बाद, ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़े हुए की भी अवस्था में इसके अंदर कुछ शुद्ध वायु रहती है। मान लीजिए अब हम सब खाली पेट हैं और हमारा अमाशय सिकुड़ा हुआ है, हमें भूख लगी है, हम चबा चबा के भोजन लेना शुरू करते हैं। जैसे ही हमारा अमाशय आधा भर जाएगा तो उसमें से कुछ शुद्ध वायु निकल के हमारे मुँह में आएगी, उसको हम कहते हैं तृप्ति डकार। उस तृप्ति डकार के माध्यम से हमारा अमाशय ये कहता है और मत खाओ, आपकी तृप्ति हो चुकी है और नहीं खाना। मगर हम उस तृप्ति डकार के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, हम और खाते हैं। आधा भरने पर डकार क्यों आई? अमाशय कहता है
कि मैं आधा भर गया भोजन से, अब एक चौथाई हिस्सा मेरे को भरने के लिए तेजाब निकलेंगे। वो जो तेजाब हैं, पाचक रस हैं, डाइजेस्टिव जूसेज हैं, वो भोजन को हजम करने में मदद करेंगे। और एक चौथाई हिस्सा अमाशय को खाली रहना है, क्योंकि अमाशय के अंदर मंथन क्रिया होगी, अगर मुंह को पूरा भर लें तो कुरला नहीं कर सकते। हम इन नियमों को नहीं जानते, हम वो डकार आने के बाद भी और खा लेते हैं। जब और खा लेते हैं तो हमारा अमाशय पूरा भर जाता है। पूरे भरे की अवस्था में जो थोड़ी बहुत वायु उसके अंदर रह गई होती है वो फिर हमारे मुंह में आती है, उसको हम कहते हैं पूरण डकार। उस पूरण डकार के माध्यम से हमारा अमाशय जी कहता है, मैंने तेरे को पहले ही कह दिया था और मत खाओ, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अब अमाशय ने तो हाथ खड़े कर दिए। ये कहानी चल रही है और कहानी अभी अधूरी है, ख़त्म नहीं हुई। उस भोजन को हाजम करने के लिए फिर तेजाब निकलेंगे जो भोजन को हाजम करने में मदद करेंगे। ये शरीर का नियम है। और उन तेजाबों को अमाशय में जाने की जगह नहीं है, वो ऊपर फूड पाइप में पड़े रहते हैं। फिर व्यक्ति कहता है, मेरे तेजाब बनता है, एसिडिटी बनती है, मेरे यहाँ जलन होती है। भाई, तेजाब तो उसके भी बनता है जिसके जलन नहीं होती, लेकिन उसका तेजाब ठीक जगह पे पड़ा है और आपका तेजाब गलत जगह पे पड़ा है। मेरा नाम अरविंद कौशिक है, मैं नांगलोई दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे को 12 साल तक दमे की प्रॉब्लम रही, मैं इससे बहुत परेशान रहा। मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक हर प्रकार का इलाज कराया। हैदराबाद की मछली वाली दवाई मैंने ली, पर किसी चीज़ से कोई मुझे आराम नहीं हुआ। मैं कई दिन तक बड़े परेशान रहा। अंत में मुझे प्राकृतिक जीवन शैली के बारे में पता चला। गुरु जी के संपर्क में आने के बाद मैंने आज तक किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं ली है। इस बीमारी का तो मैं इलाज पूरी तरह कर चुका हूँ। अन्य किसी प्रकार की कोई बीमारी आती है तो मैं उसको इसी प्राकृतिक जीवन शैली से ठीक कर लेता हूँ। और आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, कभी कोई दवाई नहीं ली और मैं अपना डॉक्टर खुद हूँ। पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमारी पुस्तकों का अध्ययन करें। प्राकृतिक जीवन शैली का चमत्कार अभी शुरू करें और देखें। सुबह सफेद पेठे का रस, 2 घंटे बाद भूख लगे तो कच्चा सलाद, दोपहर के भोजन में रोटी व हरी सब्जी, शाम को हरा नारियल पानी डाब, रात्रि के भोजन में मौसम के फल, निषेध है केला, चीकू, आम और अंगूर। रोजाना करें प्राणायाम, व्यायाम, योगासन, नाम जप और ध्यान, वायु स्नान, सूर्य स्नान, मेरुदंड स्नान, पेट पर गीली ठंडी पट्टी दिन में 2 बार। गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी के अग्रणी शिष्य श्री मोहन गुप्ता जी के सानिध्य में प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा असाध्य रोगों से मुक्त होने के लिए निशुल्क परामर्श एवं शिविरों में भाग लेने तथा आयोजन करवाने हेतु प्राकृतिक जीवन शैली नेचुरल लाइफस्टाइल की पुस्तकें, सीडी, डीवीडी व अन्य सामग्री मंगवाने हेतु संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-275-10771 और 09953722272। हमारा बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक 408100210101303034।